Hey guys, it's Janet. It's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज हम react करने वाले हैं एक much requested and बहुत ही important video पे. तो कुछ दिनों से हमें कुछ पता चल रहा था that there is going to be a no confidence motion in the National Assembly and PM इमरान खान के साथ no confidence motion उनके खिलाफ होने वाली थी. तो उसी के चर्चा में एक स्पीच बाहर आया by अली मोहम्मद खान and apparently it's a very powerful and emotional speech. बहुत लोगों ने रेकमेंड किया कि आप इस स्पीच पे डेफिनेटली रिएक्ट करो, तो अभी हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं. तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे दो हैंडल्स हैं, प्लीज डू फॉलो अस. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. जी, अली मोहम्मद खान साहब, वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड मेंबर्स ऑन बोथ साइड्स. बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम मुबारक अला सैयदना मोहम्मद. आज 10 अप्रैल है, बड़ा अहम दिन पाकिस्तान की तारीख का. लेकिन आज से मैं बहुत साल पहले आपको ले जाना चाहता हूँ पीछे, 16 अप्रैल 1938 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिना, जिनकी तस्वीर के साए में हम सब बैठे हैं, उनने फरमाया था, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, कोई मफहूम इस तरह का है कि अ मुसलमान अ मुस्लिम इज नॉट बॉर्न टू गिव अप. इफ ही इज फोर्स्ड टू बी एनस्लेव्ड, ही विल बिकम बाबर, ही विल इमर्ज एज सुल्तान टीपू, ही विल हैप्पीली एम्ब्रेस मार्टर्डम, बट ही विल नॉट एक्सेप्ट स्लेवरी. और मुझे इस बात पे फख्र है, खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की. यहां आज आपके चेहरों पे खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे. आज मैंने जिस तरह पहले दिन अपनी ड्यूटी संभाली तो इमरान खान के एक सिपाही की तरह, और रियासत पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के एक खादिम के तौर पे आज पार्लियामानी उमूर की मेरी ड्यूटी तमाम हुई. आज का दिन जहां बहुत से चेहरों को खुशी देते हुए जा रहा है, वहां बहुत से सवाल भी छोड़े जा रहा है. मैंने आज ऐवान में मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब को भी देखा, बेइज्जत पार्लियामानी उमूर के वजीर को मैं उनको वेलकम करता हूं. लेकिन एक सवाल तारीख उनके लिए भी छोड़े जा रही है कि जिस शख्स, जिस मर्द हुर, जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट की एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमरीका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी. मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला, मैं तलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला. आरजी नाकामी शिकस्त का मुतबादल नहीं. हम सब मुसलमान हैं और हमारी तारीख भरी पड़ी है. मैं किसी की तरफ कोई तशबीह नहीं देना चाहता क्योंकि हमने यहां, मेरा ये 9वां साल है इस पार्लियामान में, लेकिन याद रखिए मेरी बात, मैदान करबला में आरजी शिकस्त जरूर हुई थी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, लेकिन दुनिया उनको याद रखती है. प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज प्लीज नो क्रॉस टॉक. हम सब ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलना है, बात करने का प्लीज. और आप बर्दाश्त कीजिए, मैं आपके नारे, आपकी हुटिंग, आपकी खुशियां बर्दाश्त की है मैंने. और हम सब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरोकार हैं. और ये मैसेज हर उस शख्स के लिए जो आजादी का पैरोकार है, जो गुलामी के खिलाफ है. आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत खत्म हो. अल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा, इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, दो तिहाई से आएगा. बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें. हर इमरान खान साहब का गुनाह क्या है? इमरान खान साहब का गुनाह यह है, मेरे छोटे भाई हैं लेकिन लीडर है, मैं एहतराम से नाम लूंगा, बिलावल साहब बैठे हैं. बिलावल साहब, इमरान खान साहब का गुनाह यह है
कि जब आपके नाना ने आज से सालों पहले इसी इस्लामाबाद में मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया तो उन्होंने एक बार इकट्ठा किया और मेरे लीडर इमरान खान साहब ने दो महीने में दो बार इकट्ठा किया अल्लाह ताला के करम से। इसी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने, मैं वहां से देख रहा था, आप हंसते जाएं, आपके हंसने से मेरे हौसले कम नहीं होंगे, मेरे पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, मेरे लीडर के पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं और हम दुश्मन नहीं हैं, हमने मिलकर पाकिस्तान को बनाना है, लेकिन आपके तरीकेकार से हमें इत्तेफाक नहीं। वहां पे इमरान खान साहब ने खड़े होके जब उन सुन रहे थे, उन्होंने यहां स्पीच करते हुए फरमाया, वक्त साबित करेगा कि कौन असली शेर है। आपके अल्फाज आपको मुबारक हो, वकूल उल्ना से हुस्ना, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे, इमरान खान साहब ने मुस्लिम ब्लॉक की बात की, ये उनका गुनाह है। इमरान खान साहब ने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, ये उनका गुनाह है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि रूस सिर्फ बहाना है जनाब चेयरमैन साहब, मोहतरम अयाज सादिक साहब, कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। इमरान खान का गुनाह ये है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मा की बात की, मदीना की रियासत की बात की, इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। बसत एहतराम, बसत एहतराम परवेज अशरफ साहब भी तशरीफ फरमा है और मेरे ख्याल में गैलरीज में साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम गिलानी साहब भी तशरीफ फरमा है। मेरे अपोजिशन लीडर वहां पे रहे, आपके साथ सेनेट में मैंने बड़ा काम किया, लेकिन जनाब चेयरमैन साहब एक वो भी वक्त था, दुनिया ने देखा कि यहां पे अमेरिकन बूट्स आए, एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, और एक ये भी वक्त है कि वो वहां मंसूबे बनाते रहे कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी तो पाकिस्तान, थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान, और ये भी कहते हैं कि हां अगर इमरान खान की हुकूमत गिर गई और अदम एतमाद जो आपने अभी कामयाब की है कामयाब हो गई तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। मेरे चेयरमैन साहब अल्लाह के नामे नामों के नीचे बैठ के हम माह रमजान में अल्लाह से माफी के खासगार हैं, अमरीका से माफी के खासगार नहीं, लेकिन फिर भी आप जीते हैं आज, हम ग्रेस से बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा जनाब चेयरमैन साहब, चलते हैं दबे पांव के कुछ जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। दोबारा सुनाऊं, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हकबात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे इस बात पे फखर है, मुझे इस बात पे फखर है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे, आपके बीच में से। तो आखिर में जनाब चेयरमैन साहब, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, जनाब चेयरमैन साहब, मेरी दुआ है मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे, मेरी दुआ है कि मुल्क को पाकिस्तान को मजबूत करते रहे, लेकिन इंशाल्लाह मेरा अल्लाह कहता है वकुल जाल हक वजाक अलबातिल इन अलबातिल कान जहूका, और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए जल्द इमरान खान साहब इंशाल्लाह अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा, दो तिहाई अक्सरियत से होगा, और इंशाल्लाह इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मेरे करोड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और वोटर्स और सपोर्टर्स को आज की ये डिफेंस, आज का ये खड़ा होना और आपका आज की रेजिस्टेंस मुबारक हो। आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो साम्राज्य के सामने खड़े हैं, जो अमरीका के सामने खड़े हैं, जो यहूद और हनूस के सामने खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। चेयरमैन साहब जी, चेयरमैन साहब, मैं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड होती साहब जी, बात कीजिए प्लीज। चेयरमैन साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं बात करूं, लेकिन शायद सबसे बेहतरीन टाइमिंग आपने मेरे लिए रखी थी क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जो मीठी मीठी बातें की गई और इससे पहले मुझसे पहले जितना सच बोला गया और सच के सिवा और कुछ नहीं बोला गया और सिर्फ सच बोला गया, तो अब मैं भी मुश्किल में हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। चेयरमैन साहब सबसे पहले तो मैं गाइज विदाउट मूविंग एनी फर्दर, गाइज आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टू अमेजिंग प्रोडक्ट्स। तो ये है वाव स्किन साइंस इंडिया के नरगिस बेदिंग बार एंड उपटन बेदिंग बार। ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ही अमेजिंग है। इसका रीजन है दीज हैव बीन मेड यूजिंग ओनली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, सो दीज आर फ्री फ्रॉम एनी हार्श केमिकल्स लाइक सिलिकॉन्स, पैराबेंस, मिनरल ऑयल एंड सल्फेट्स एक्सेट्रा। So guys, the Vav Skin Science India Upton Bathing Bar and Nargis Bathing Bar smell divine. I'm super excited to try these out. So guys, these bathing bars are super mild on the skin. It helps soothe irritation and boost microcirculation to the skin. It helps reduce dullness and give skin a soft luminosity. It also helps revive the skin's moisture barrier, soothes and protects it from damage. It is free of sulfate and parabens. Guys, chemicals ki nahi, ab nature ki suno and use these amazing bathing bars. Guys, these help in maintaining healthy skin pH at 5.5. These are very soft and gentle on the skin. It helps repair skin damage and keep it soft. It helps remove toxins and supports skin regeneration. So guys, jo Upton bathing bar hai, uske key and hero ingredients hai. This contains the goodness of chickpea flour, contains sandalwood oil, it contains saffron and turmeric extract as well, all things good. Nargis bathing bar hai that is made using aromatic nargis extract. So guys, jo baki products hote hain, jo baki bathing bars hote hain, wo kya karte hain, they increase the pH of your skin and ye jo bathing bars hain ye aapke skin ka jo pH hai usko 5.5 pe maintain karenge, which is very essential for healthy skin. Ye jo bathing bars hain, these have been dermatologically tested and ye support karte hain, ye suit karte hain all skin types ko. Ke kuch aur bhi benefits hain, jaise ki this would help in enhancing radiance, it would help keep the skin soft and supple, it also helps in deep cleansing and rejuvenating, also helps revive dull skin. Vav Skin Science India is a purely Indian made brand. Inke har product ke piche ek QR code hota hai which can be used to test out the authenticity of the products. Also, Vav Skin Science India ke products available hain online bhi and offline bhi. Inki khud ki bhi ek app hai and it is also available on apps like Amazon, Flipkart and Nykaa and in stores near you as well. So guys, if you have any other queries, do check out the description box below or otherwise you can leave down a lovely comments as well. Be wow naturally. But yaar bahut hi powerful speech tha, bahut badhiya, and beech beech mein itni awaaz mein bolna, itni strong awaaz mein bolna and then itni strong awaaz mein bolna and apne opinions rakhna, bhai bahut sahi cheez hai. I think बहुत सही स्पीच था, बहुत अच्छे ओरेटर हैं, मज़ा आ गया स्पीच सुन के. ऑल्दो हम लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन ये स्पीच बहुत पावरफुल था एंड जो भी सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, आई एम श्योर दे फेल्ट रियली इमोशनल एंड मूव्ड बाय द स्पीच, क्योंकि एक अच्छा ओरेटर ही होता है कि जो ऑडियंस को मूव कर सकता है एंड आई थिंक मैं तो बिल्कुल मूव हुई हूँ ये स्पीच सुन के. बहुत अच्छी स्पीच थी, पॉइंट टू पॉइंट था और हाँ आपने बोला इतने शोर के बीच में उसी बुलंद आवाज में बोलना और क्या पॉइंट्स मारे हैं, आई थिंक ब्रिलियंट. जबकि जो स्पीकर थे वो बार बार बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, तो बीच में मजाक भी उड़ा रहे हैं, बीच में आई थिंक कुछ गलत भी बोला उनको एंड देन साथ के साथ ही मेड अ क्विक रिप्लाई कि अरे मेरी तरबियत नहीं है कि मैं ऐसा बोलूं. बहुत अच्छा, बहुत सही लगा मुझे, बहुत अच्छे ओरेटर हैं एंड जो भी बेस्ट होगा पाकिस्तान के लिए वही होगा, आई एम श्योर ऑफ दैट. एंड बहुत अच्छी वीडियो थी, आई एम ट्रूली मूव्ड. मुझे जो लोग अच्छे ओरेटर्स होते हैं, जो लोग अच्छा बोल सकते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग. बहुत अच्छे से बोला. So guys, this was our reaction. We really hope that you liked it. And if you did, this video ko like kar do, leave down a lovely comments and don't forget to subscribe, guys. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.